मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामियक अंतर्गत ग्राम पंचायत भोड़िया पानी गांव में कुल 150 परिवार निवास करते हैं, जहां पर दल्लूबाई भारती जो कि 60 वर्ष से बुजुर्ग महिला है, जिनको वृद्धा पेंशन न मिलने की वजह से इनकी दैनिक आर्थिक स्थिति खराब है। इनके साथ साथ 25 लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको क्या समस्या, क्या क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ खाना पीना, बहू बेटा ने पूछ रहे, अकेली रह रही हूँ, अकेली खा रही हूँ, कर रही हूँ और खा रही हूँ। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिले, पैसा भी भर दे, सब कुछ कर दे, नहीं मिलते ही नहीं है। तो आप अपने घर का खर्च कैसे चलाते हैं? अम्मा बनी बूता कर रही है और खा रही। तो बनी बूता कहाँ करते हैं आप? कैसी बनी बूता? कोई भी बुला लिए बन्नी में तो ही चल दिए, वही काम कर लिए, बन्नी दो पाए गल्ला मिल रहा है वही लेके चले आए, वही खा रहे। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन बोलते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर आप क्या चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, तो आपको पेंशन से क्या फायदा होगा? अभी अभी मिल तो जिंदा भरते कचनी नमक मिर्ची दाना पानी ले लुआ खाते। हमारे गांव में भैया जी ऐसा है कि मतलब 60 साल के ऊपर के हैं, उनको कोई शासन ने योजना निकाली है तो कोई लाभ नहीं मिलता उन लोग। वो लाठी टेक टेक के काम में जाते हैं तो काम में भी कोई रोजगार गारंटी भी नहीं लगाते। हम ये चाहते हैं कि शासन से जो लाभ मिल रहा वो लाभ सियाने को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो शासन प्रशासन योजना बनाती है उस योजना का लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि यदि आप भोड़िया पानी गांव के लोगों की समस्या से प्रभावित हैं तो आप हमारे तामिया ब्लॉक के जनपद सीओ श्री पुरुषोत्तम राजौरिया जी से 071-49-27-23 में बात करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।